हेलो दोस्तों, आई एम कुश। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, मैं कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक नॉलेज के ट्यूटोरियल्स वीडियोस लाता रहता हूं अपने चैनल टेक ऑफ डे में। तो उसी तरह आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने होम बटन को क्लिक करने पर जो यहां पर सेटिंग का ऑप्शन होता है उसके बारे में बताऊँगा। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं सेटिंग को ओपन। करते हैं क्लिक अपने लेफ्ट बटन को और करते हैं ओपन। ये देख सकते हैं हमारे सामने सेटिंग का जो ऑप्शन है वो खुल चुका है ना। उसके बाद सबसे पहले हमारा है सिस्टम, है ना। तो ये सिस्टम के बारे में मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, आप लोग आई बटन में जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूंगा, है ना। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने डिवाइस में, डिवाइसेस में हम लोग देख लेते हैं प्रिंटर एंड स्कैनर, है ना। जैसे कि हम लोग कई प्रकार के प्रिंटर्स एवं स्कैनर्स लगाते रहते हैं अलग अलग कंपनियों के, तो उसी प्रकार से जितना भी प्रिंटर और स्कैनर लगा है वो इस जगह में दिखेगा, है ना। या फिर यहाँ से ऐड कर सकते हैं, वहाँ से अपने कंप्यूटर में प्लग इन करके इसको ऐड कर सकते हैं, है ना, प्रिंटर एंड स्कैनर्स। और उसके बाद आ जाता है कनेक्टेड डिवाइसेस, है ना। यहाँ पे आपके कंप्यूटर में कितने डिवाइस कनेक्ट है वो दिखाएगा, है ना। तो जैसा कि यहाँ से आप लोग ऐड भी कर सकते हैं ना कोई भी डिवाइस, और अदर डिवाइसेस भी है जो कि आपके कंप्यूटर में पहले से कनेक्टेड है, है ना। जेनेरिक ब्लूटूथ रेडियोस, एलईडी मॉनिटर्स कनेक्ट है, माइक्रोफोन विया हाई डेफिनेशन ऑडियो, स्पीकर है विया हाई डेफिनेशन ऑडियो, यूएसबी ऑप्टिकल माउस, इतने सारे आपके कंप्यूटर डिवाइस में कनेक्टेड है, है ना। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ब्लूटूथ डिवाइस, ब्लूटूथ में जैसा कि एक ब्लूटूथ डिवाइस आप लोग कनेक्ट करेंगे, उसके बाद अपने कंप्यूटर में एक ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करेंगे, फिर अपने मोबाइल से ब्लूटूथ ऑन करके इसमें का ब्लूटूथ ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, फिर कनेक्ट हो जाता है। उसी प्रकार से ये ब्लूटूथ डिवाइस होता है और यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि ये स्कैनिंग ले रहा है, अगर जैसे कि कोई भी ब्लूटूथ यहाँ आसपास में ऑन है तो उसको पकड़ेगा और पेयर करेगा। पेयर करने के बाद उधर से अगर कोई ऑप्शन आया या फिर कोड इंटर करने के बाद वो पेयर हो जाएगा और कनेक्ट हो जाएगा डाटा लेने और डाटा देने के लिए, है ना। ऐसा प्रोसेस होता है इसका, यही ब्लूटूथ डिवाइस का ऑप्शन है, है ना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं माउस एंड टच पैड, है ना। माउस एंड टच पैड का ये होता है माउस सेलेक्ट योर प्राइमरी बटन्स, है ना। तो जैसा कि हम लोग अभी अपने लेफ्ट बटन का क्लिक करते हैं तभी ये ओके होता है, है ना। ओके के समान है, ओके के समान कोई भी को क्लिक करने के लिए। उसी तरह से हम लोग राइट को सेलेक्ट कर देंगे तो हमारा लेफ्ट बटन जो है ये काम नहीं करेगा, है ना। उसमें राइट बटन काम करेगा, राइट बटन काम करना करने लगेगा इस। और फिर हम लोग जैसे कि ये राइट बटन को प्रेस किए और लेफ्ट बटन को सेलेक्ट कर दिए, उसके बाद ये अपना लेफ्ट बटन काम करने लगा, जैसे कि चेंज करने के लिए राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट, ऐसे करने के लिए आप लोग इसका यूज कर सकते हैं, है ना। ये होता है स्क्रॉल माउस व्हील टू स्क्रॉल, है ना। तो माउस का जो बीच में जो स्क्रॉल है उसका मल्टीपल लाइन एट अ टाइम, मल्टीपल यूज करने के लिए ये रहता है स्क्रॉल। इसको ऑन कर दें ओवर देम स्क्रॉल इनएक्टिवेट विंडोज विन आई होवर ओवर देम, है ना। इसको ऑन करेंगे तभी रहेगा, वरना नहीं तो स्क्रॉल नहीं होगा, एक्टिवेट नहीं होगा, है ना। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं टाइपिंग में, स्पेलिंग होता है जैसे कि ऑटो करेक्ट मिस
प्लेट वर्ड्स है ना, तो जैसे कि कोई भी मिस प्लेट वर्ड ऑटो करेक्ट हो गया है उसको वो करने के लिए, करेक्ट करने के लिए रहता है, इसको ऑन करना पड़ता है। अगर ऑफ कर देंगे तो वो नहीं करेगा, करेक्ट नहीं करेगा है ना। हाईलाइट मिसिंग मिस प्लेट वर्ड्स है ना, तो जैसे कि कोई भी वर्ड्स मिस प्लेट हो गया है, जैसे गलत हो गया है, तो उसको हाईलाइट कर देगा, इसके लिए इसको ऑन किया जाता है ना। अब हम लोग आ जाते हैं ऑटो प्ले में। ऑटो प्ले में यूज़ ऑटो प्ले फॉर ऑल मीडिया एंड डिवाइस, मीडिया एंड डिवाइस के लिए है, जैसे कि कोई भी गाना प्ले करने के, मेमोरी कार्ड का या फिर ये सब करने के लिए, ये देखिए ब्लूटूथ का, ये सब करने के लिए इसको ऑन करना पड़ता है, नहीं तो वो ऑटो प्ले नहीं होगा है ना। ये होता है ऑटो प्ले, ऑटो प्ले से ही ये प्ले होगा, नहीं तो ये बंद रहेगा तो प्ले नहीं होगा, आपको मैन्युअली प्ले करना पड़ेगा है ना। तो ये सब पूरा मैं बता चुका हूँ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स, अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करिए और कमेंट करके बताएं कि मैंने क्या गलती किया है ना। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि इसी तरह के रिलेटेड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। सो थैंक यू गाइस।